नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में, आपके साथ निशेत ठाकुर। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में हैं। लगातार बीजेपी भी सहयोग कार्यक्रम चला रही है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगातार कार्यकर्ता दरबार लगाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगा चुके हैं और अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी जनता दरबार लगाएगी। इसके साथ ही बिहार की डिप्टी सीएम भी जनता दरबार लगेगा उनके यहाँ पे भी। लेकिन इन दिनों विपक्षी पार्टियाँ लगातार एक सवाल कर रही हैं और सत्ता दल पार्टियों से पूछ रही है कि आखिर जनता दरबार लगाने का क्या फ़ायदा है, क्या जनता की समस्याओं का निदान होता है। लगातार विपक्षी पार्टियां यह सवाल कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, और पूछा जा रहा है कि जनता दरबार में से क्या फ़ायदा हो रहा है। जनता दरबार का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। वहीं अब विपक्षी पार्टियों के बयान पर हमला बोला है बीजेपी कोटे से मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू, और उन्होंने साफ कहा है कि विपक्षी पार्टियों का काम नहीं होता है, लेकिन जनता की समस्या जरूर सुलझाई जाती है। जनता जो समस्या लेके हमारे पास आती है, अपने स्तर से हम उस समस्या को सुलझाते हैं। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर के भी नीरज कुमार बबलू ने एक बयान दिया है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू का मत अलग अलग था, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुका है और उसके बाद जो बयान है वो कहीं ना कहीं अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब नीरज कुमार बबलू से पूछा गया कि आखिर जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, जीतन राम मांझी के ट्वीट को किस तरीके से देखते हैं, तो नीरज कुमार बबलू ने साफ कहा है कि जातीय जनगणना होने से पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो बिहार में विस्फोट होगा। नीरज कुमार बबलू ने इतना भी कह दिया कि बिहार कहीं तालिबान न बन जाए। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू, आप वो सुनिए। बिल्कुल काम हो रहा है और समस्याएं जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि भीड़ कम हो जाएगा, जब लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक चलता है, दो दो तीन तीन मंत्री बैठते हैं, तो ऑब्वियसली है कि भाई लोगों का समस्या का समाधान होता है। आज हमने भी दर्जनों समस्या का यहाँ समाधान किया, लोग संतुष्ट होकर गए हैं। लोगों के सामने जिस भी अधिकारी से संबंधित काम होता है उस अधिकारी को सीधा हम लोग यहाँ से फ़ोन करते हैं, काम करने का निर्देश देते हैं, जो जायज काम होता है वो होता है, समस्या का समाधान होता है। सर एक सवाल है जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जनता दरबार से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी जनता दरबार लगाया और उसको देख के अब ये काम विपक्षी कैसे जानते हैं? विपक्षी से सवाल करिए कि क्या आप जनता दरबार में गए कोई किसी काम को लेकर के? जनता दरबार में कोई पार्टी नहीं आता, जनता दरबार में जनता आती है अपने समस्याओं के समाधान को लेकर के, और जनता के समस्या का समाधान होता है, ना कि विपक्षी के समस्या का समाधान होता है। और विपक्षी के समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो इंतजार करते रह जाएंगे, कभी उनको सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिलेगा। उनका सबसे बड़ा समस्या यही है और उनके समस्या का समाधान कभी नहीं होगा।